वेलकम बैक। हाउस प्लान 26 फीट बाय 30 फीट जो कि प्लॉट साइज टोटल 780 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। प्लॉट स्क्वायर शेप में है जिसकी इस साइड से टोटल लेंथ 30 फीट और इस साइड से 26 फीट। इस स्मॉल प्लॉट साइज में काफ़ी सही तरीके से कम्प्लीटली 2 BHK डिजाइन किया गया है जिसमें कि पार्किंग, किचन, बेडरूम और एक किड्स रूम दिया गया है। सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे, पहले हम कंप्लीट आउटर वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आउटर वॉल कम्प्लीटली 5 इंच रखा गया है। ये कंप्लीट फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होगा इसीलिए इसमें 5 इंच का वॉल रखा गया आउटर वॉल और पार्टीशन वॉल भी 5 इंच रखा गया है। सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे, इसमें कितनी पिलर यूज होगी, इसमें टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा और आप अपने ताकि अपने बजट के हिसाब से आप इसे रीअरेंज कर सके। तो ये कम्प्लीटली वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये हमारा कम्प्लीट आउटर वॉल हो जाएगा, ये आउटर वॉल हो जाएगा इसका, ये बेडरूम का आउटर वॉल, यहाँ एक आउटर वॉल और ये हमारा किचन हो जाएगा, पार्टीशन वॉल और आउटर वॉल। जो स्पेस विंडो के लिए यूज होगा वो स्पेस हमने खाली छोड़ा हुआ है ताकि येलो कलर से मार्क कर देंगे ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये हमारी आउटर वॉल हो जाएगी और ये हमारी OTS हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा आउटर वॉल हो जाएगा जिसमें कि अब विंडो की बात करें तो ये विंडो एक यहाँ, ये OTS एक विंडो यहाँ और किचन में एक लार्ज विंडो दिया गया ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। और ये हमारी स्लैब हो जाएगी किचन की, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये हमारी विंडो हो जाएगी, ये लार्ज विंडो, ये OTS हो जाएगा, एक विंडो यहाँ रखा गया है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। इसकी मेन डोर की बात करें तो ये हमारी मेन डोर हो जाएगी जो कि 4 फीट का रखा गया है, एंट्री के जस्ट साइड में है। ये हमारा इनसाइड डोर ओपन हो जाएगा, आप चाहे तो सिंगल या फिर डबल डोर रख सकते हैं 4 फीट बाय 8 फीट का। एंट्री करने के जस्ट बाद हमारा स्टेयर वाला पार्ट हो जाएगा जो कि ये हमारी स्टेयर हो जाएगी। स्टेयर यहाँ पे 3 फीट विड्थ की रखी गई है जो कि इस तरह से मूव करके फर्स्ट फ्लोर पे चल जाएगा। और इसके नीचे वाले पार्ट में हम एज ए स्टोरेज यूज कर लेंगे। तो ये हमारी मॉडर्न वे हो जाएगी स्टोरेज के लिए। तो ये कंप्लीट हमारा काफी लार्ज एरिया स्टोरेज के लिए हो जाएगा, बाकी घर का सामान आप यहाँ पे रेंज कर सकते हैं। और ये स्पेस स्टेयर के नीचे वाला पार्ट इतना लार्ज है कि आप एक बाइक इजीली स्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारी एक पार्किंग एरिया की तरह भी काम हो जाएगा और स्टोरेज भी हो जाएगा। अब इसकी हम ये कम्प्लीट ओपन स्पेस हो जाएगी हमारी। अब किचन की बात करें तो ये हमारी किचन हो जाएगी जो कि 7 फीट का इस साइड से और इस साइड से 10 फीट का रखा गया, काफी लार्ज स्पेस है। ये 7 फीट बाय 10 फीट का हो जाएगा जिसके जस्ट आउटसाइड हमारी डाइनिंग टेबल हो जाएगी और इसी के साथ हमारा ये लिविंग एरिया हो जाएगा। लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया दोनों कंबाइन रखा गया है। इसकी स्पेस की बात करें तो ये कम्प्लीटली 10 फीट और इस साइड से 10 फीट का हो जाएगा, काफी लार्ज स्पेस है, आप इसे प्रॉपर यूज कर सकते हैं एज अ डाइनिंग और लिविंग के लिए। और यहाँ पे आप चाहे तो एक डोर डाल सकते हैं या फिर एक आर्क फॉर्म में डोर रख सकते हैं ताकि लुक इनहेंसिव हो जाए। इसकी हम अब कॉमन लेट बाथ की बात करें तो ये हमारी कॉमन लेट प्लस बाथ हो जाएगी जो कि 4 फीट का इस साइड से रखा गया है लेंथ। और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो OTS के को लेके 7 फीट का हो जाता है, OTS हमारा 1 फीट का रखा गया है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके कॉमन लेट बाथ के लिए, क्योंकि अब मैक्सिमम जगह नेवर ओपनिंग स्पेस ओपन नहीं होता है तो इसीलिए हमने OTS प्रोवाइड किया है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके कॉमन लेट बाथ की। इसकी डोर इनसाइड ओपन हो जाएगी। इस कंप्लीट हाउस में 2 बेडरूम और 1 किड रूम दिया गया है। तो ये हमारी बेडरूम फर्स्ट हो जाएगी जिसकी लेंथ यहाँ पे 10 फीट बाय 11 फीट का हो जाएगा, इस साइड से कम्प्लीटली 11 फीट और इस साइड से 10 फीट। ये आप डोर सामने एक टीवी यूनिट अरेंज कर सकते हैं और इस साइड एक आप कैबिनेट या फिर ड्रेसिंग के लिए एरिया रख सकते हैं। अब इसकी डोर इनसाइड ओपन हो जाएगी, डोर साइज आप 3 फीट बाय 7 फीट रख सकते हैं। बेडरूम सेकंड की बात करें तो ये हमारी बेडरूम सेकंड हो जाएगी सिमिलर 10 फीट बाय 11 फीट का, इस साइड से 11 फीट और अदर साइड 10 फीट, काफी लार्ज स्पेस है। सामने सिमिलर आप कैबिनेट
टीवी या फिर आप कंबाइन या फिर कैबिनेट सेपरेट ड्रेसिंग अरेंज कर सकते हैं ताकि इस स्पेस का प्रॉपर यूज हो सके। तो वो आप अपने इंटीरियर अपने हिसाब से नीड के हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। डोर इनसाइड ओपन हो जाएगी, 3 फीट बाय 7 फीट की डोर हो जाएगी इसकी। अब हम लास्ट बेडरूम किड्स रूम के फॉर्म में देखते हैं। आप चाहे तो इसे बेडरूम थर्ड यूज कर सकते हैं या फिर दो किड के लिए सेपरेट बेड बना सकते हैं। तो ये हमारी किड्स रूम हो जाएगी जिसमें कि दो बेड दिया गया है, बेड वन और बेड टू, और सामने एक स्टडी टेबल है। तो यहाँ पे दो चेयर सेपरेट दिया गया है। तो ये कंप्लीट एरिया एज अ किड रूम के लिए यूज हो जाएगा। इसकी भी डोर इनसाइड ओपन हो जाएगी। ये आप इस वाले स्पेस में यहाँ पे 3 फीट और ये बेड 3 फीट की और बीच में हमारा 3 फीट का एरिया बच जाता है। तो ये कंप्लीट ओपन स्पेस हो जाएगा। तो हमारी किड्स रूम हो जाएगी। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो स्टेयर से जाने के बाद कम्प्लीटली आप एज इट इज रख सकते हैं अगर आप रेंट लगाते हैं तो, या फिर आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो इस वाले किचन को आप एज अ ओपन टेरिस यूज कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीट हमारा ओपन एरिया हो जाएगा। ऊपर में 3 बेडरूम लेट बाथ और स्टेयर वाला पार्ट हो जाएगा। अगर सामने स्पेस ओपन है तो आप 3 फीट विड्थ की एक बालकनी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सामने रोड है तो ये हमारी 3 फीट की और इस साइड से कम्प्लीटली 26 फीट की एक बालकनी हो जाएगी। तो ये हमारी कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का डिटेल हो गया। इसमें नंबर ऑफ पिलर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कंप्लीट हाउस प्लान में 16 पिलर यूज हो जाएगा या फिर कॉलम बोल ले आप। तो और पिलर के साइज की बात करें तो कम्प्लीटली 10 इंच बाय 10 इंच आप रख सकते हैं। इसके डायरेक्शन की बात करें तो कंप्लीट हाउस प्लान की मेन डोर हमारी ईस्ट फेसिंग हो जाएगी और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा नॉर्थ और साउथ। मेन डोर हमारा ईस्ट फेसिंग हो जाएगा और इसकी विंडो नॉर्थ फेसिंग रखा गया है। तो कंप्लीट हाउस प्लान आप एज इट इज यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो आपको अप्रॉक्स 12 लाख रुपया लग जाएगा ग्राउंड फ्लोर को डिजाइन करने में। तो ये आज का हाउस प्लान कम्प्लीटली 26 फीट बाय 30 फीट का, जो कि 2 BHK और 1 किड्स रूम यानी कि टोटल 3 BHK बनाया गया है। हाउस प्लान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।